राजा और रानी की कहानी हमने बचपन में बहुत सुनी है, लेकिन आज लोकतंत्र का जमाना है। हर देश में चुनाव होते हैं, जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां राजा और रानी किस्से कहानियों की बात नहीं, बल्कि इन देशों में वे सचमुच राज करते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां आज भी राजशाही है और वहां पुराने जमाने की तरह ही राजा राज करते हैं। भारत में राजशाही के खत्म हुए 70 साल बीत चुके हैं। कई ऐसे राजघराने आज भी कायम हैं जो अपने पुराने राजसी ठाठ बाट के साथ ही रहते हैं और अपनी पुरानी शाही परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका परिचय ऐसे ही कुछ राजघरानों से करवाने जा रहे हैं जिनकी शानो शौकत देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रुनोई के सुल्तान हसनल बोलकेस की। ब्रुनोई के सुल्तान का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी उनके लग्जरी बंगले और कभी उनकी महंगी कारों के कलेक्शन की तस्वीरें अखबारों में छपती हैं। इनके पास 24 कैरेट सोने से बनी रोल्स रॉयल भी है। इनकी आय का बड़ा हिस्सा ऑयल एंड गैस कारोबार से आता है। इसके अलावा यह दुनिया के बड़े फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सऊदी के किंग अब्दुल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की। शाह अब्दुल्लाह को सऊदी अरब में कुछ राजनीतिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने देश में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था और पुलिस में महिलाओं के नियुक्ति के बिल को भी हरी झंडी दिखाई थी। इसके अलावा इनकी बड़ी हिस्सेदारी देश के कुल ऑयल एक्सपोर्ट में 18% है। वहीं हाल में इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा फंड बनाया है। इसके जरिए दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर बड़े रिटर्न हासिल किए जाएंगे। अब बात करते हैं अबू धाबी के सुल्तान खलीफा बिन जायद अल नाहम की। शेख खलीफा यूएई के प्रेसिडेंट हैं। वह 2004 से यूएई के शासक भी हैं। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी आय का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल से आता है। इसके अलावा यह $62,700 करोड़ का सबसे बड़ा फंड भी चलाते हैं। अब बात करते हैं दुबई के सुल्तान मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की। दुबई के ये किंग अपनी शानो शौकत के लिए भी जाने जाते हैं। इनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का जखीरा है, तो साथ ही इनके पर्सनल जू में 135 शेर 90 टाइगर और करीब 35 तेंदुए भी पाले गए हैं। बताया जाता है कि दुबई के इस बादशाह के ड्राइंग रूम में दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स टंगी हुई है जिनकी कीमत अरबों में है। साथ ही इनकी 15 बीवियों के पास 1 टन से ज्यादा गहने हैं। दुबई के सुल्तान के कारोबार का बड़ा हिस्सा दुबई से चलने वाली लग्जरी योट और क्रूड ऑयल से आता है। अब बात करते हैं मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय की। फ्रांस के स्वतंत्र माइक्रो स्टेट देश मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट की कुल नेटवर्थ $6,700 करोड़ है। फोर्ब्स के मुताबिक देश की कई बड़ी कंपनियों में वे प्रमुख हिस्सेदार हैं, जिससे उनको रॉयल्टी मिलती है। इस राजा के पास खुद के 20 पर्सनल प्लेन हैं, तो इनके गैराज में लग्जरी गाड़ियों का जखीरा है। अब बात करते हैं ओमान के सुल्तान कबास बिन सईद अल सईद की। वैसे तो ओमान के ये सुल्तान बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और इनका कोई वारिस भी नहीं है। ऐसे में इनके बाद ओमान का अगला शासक कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आजकल वहाँ की मीडिया में छाया हुआ है। ओमान के ये सुल्तान अपनी जवानी में घुड़सवारी के बहुत ही शौकीन है। इनके अस्तबल में नए जमाने के महंगे और ट्रेंड घोड़ों की बहुत बड़ी संख्या हुआ करती थी। साथ ही उन्हें महंगी कारों का भी बेहद शौक था। आज उनकी आय का बड़ा हिस्सा ऑयल एंड गैस से आता है। अब बात करते हैं स्पेन के किंग जुआन कार्लोस आई की। स्पेन की यह किंग दुनिया में काफी फेमस है। स्पेन के इस राजा के पास अपने कई 5-स्टार होटल्स, गोल्फ कोर्स और कई महंगे पैलेस हैं, तो इन्हें लग्जरी कारों का भी शौक है। स्पेन के शासक को एंटिक चीजों का भी बहुत शौक है। अभी हाल ही में एम्स्टर्डम में हुई एक नीलामी में इन्होंने सबसे ऊंची बोली लगाकर 15वीं सदी की एक घड़ी हासिल की। चलिए अब बात करते हैं भारत के कुछ राजघरानों की जिनकी शानो शौकत विदेशों के उन सुल्तानों से जरा भी कम नहीं जिनके बारे में अभी हमने बात की है। भारत के राजघरानों में सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के राजघराने की। जयपुर का राजघराना देश के बड़े राजघरानों में से एक है। महारानी गायत्री देवी की मौजूदगी ने इसे देश विदेश में मशहूर कर दिया। वे अपने वक्त की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती थी। जयपुर राजघराने के पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज परिवार की कई संपत्तियों पर 1992 से रिसीवर नियुक्त कर रखा है।
अब बात करते हैं मेवाड़ के राजघराने की। मेवाड़ राजघराना अकूत धन संपत्ति के लिए ही नहीं बल्कि विंटेज कारों के बेशकीमती खजाने के लिए भी अपनी अनूठी पहचान रखता है। उदयपुर के सिटी पैलेस में रखी महाराजा अरविंद सिंह की विंटेज कारें मेवाड़ राजघराने की खास पहचान रही है। यहां पहुंचने वाले देसी विदेशी पर्यटक भी पैलेस के साथ इन कारों के आकर्षण से बच नहीं पाते। अरविंद सिंह मेवाड़ घराने के 76वें संरक्षक हैं। वे महाराणा प्रताप के वंशज हैं। पटौदी रियासत बॉलीवुड में पटौदी खानदान तो अपने घराने के लिए मशहूर है। ये खानदान भोपाल के पटौदी खानदान से संबंध रखता है। सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान तो थे ही, साथ ही साथ 1952 से लेकर 1971 तक पटौदी खानदान के नवाब भी थे। इसके बाद बात करते हैं मैसूर राजवंश की। वडियार राजघराने का इतिहास 1399 से चला आ रहा है। तब राजघराने ने मैसूर पर राज करना शुरू किया था। तब से अब तक राजा की घोषणा होती आई है। मैसूर शहर के बिल्कुल केंद्र में स्थित मैसूर का महाराजा पैलेस मैसूर शहर का आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। इस किले में 7 दरवाजे हैं। इस राजवंश का मैसूर के लोगों में आज भी उतना ही सम्मान है जितना कि पहले था। आज भले ही लोकतंत्र है फिर भी कर्नाटक के लोग यदुवीर कृष्ण दत्ता चामराज को अपना राजा मानते हैं। अब बात करते हैं अलसीसर राज परिवार की। अभिमन्यु सिंह राजस्थान के अलसीसर राज परिवार के प्रमुख हैं। इन्हें खेतरी का राजा भी कहा जाता है। इस राज परिवार के पास जयपुर और रणथंभौर में कई बड़ी हवेलियां भी हैं। इसमें जयपुर स्थित अलसीसर हवेली को एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। अलसीसर राज परिवार भी भव्य तौर तरीके से रहने के लिए जाना जाता है। बड़ौदा का गायकवाड़ राज परिवार समरजीत सिंह गायकवाड़ इस राज परिवार के प्रमुख हैं। इस राज परिवार ने हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है। गायकवाड़ राज परिवार के पास लगभग 600 एकड़ में फैला 187 कमरों का लक्ष्मी विलास पैलेस भी है। इस पैलेस को 1890 में महाराजा सयाजीराव द्वितीय ने बनाया था। युवराज समरजीत सिंह ने अपने लिए पैलेस के अंदर 10 गोल्फ कोर्स बनवाया था। बीकानेर का राज परिवार अर्जुन अवार्ड जीत चुकी शूटर राजश्री कुमारी बीकानेर राज परिवार की उत्तराधिकारी हैं। फिलहाल ये राजस्थान के कई चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन भी हैं। इस राज परिवार का लालगढ़ महल के नाम से एक हेरिटेज होटल भी है। यह हेरिटेज होटल साल 1902 से 1906 के बीच में बनाया गया था। इस हेरिटेज होटल के अंदर में श्री सादुल म्यूजियम भी है। इसमें कई पुराने हथियार रखे गए हैं। राजकोट का राज परिवार युवराज मंधात सिंह जडेजा राजकोट राज परिवार के प्रमुख हैं। ये राज परिवार अपनी संपत्ति को हेरिटेज होटल में तब्दील कर रहा है। मंधात सिंह जडेजा ने बायोफ्यूल डेवलपमेंट और हाइड्रोपावर प्लांट में करीब 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट भी किया है। इसके अलावा इस राज परिवार ने यूएस पिज्जा के साथ में करार भी किया है ताकि गुजरात में पिज्जा स्टोर खोले जाएं। ये थी दुनिया में आज भी अपने राजसी ठाट बाट के साथ रहने वाले कुछ परिवारों की कहानी जिनके डिनर के खर्चे में हजारों भूखे बच्चों का पेट भर सकता है, जिनके उठपटांग शौक के खर्चे में हजारों मासूम बच्चे स्कूल जा सकते हैं और जिनकी बेशुमार दौलत के आधे हिस्से से दुनिया की पूरी गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन दौलत और शानो शौकत के नशे में इन राजाओं को कुछ दिखाई नहीं देता। कोई बच्चा भूख से मरे या कोई बच्चा गरीबी के आगोश में जिंदगी गुजार दे इन्हें मतलब नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि दौलत और शानो शौकत सदा के लिए नहीं होती। आज आपके पास है तो आप राजसी सुख भोग रहे हैं, कल ये किसी और के पास होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि आगे भी इसी प्रकार रोचक और रहस्यमयी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।